हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज़, आई नो टीआरपी का वीडियो जो है काफ़ी लेट हो गया, बिकॉज मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया, मेरा बर्थडे था और बाद में मैं काफ़ी थक गया था और वीडियो बनाने की हिम्मत मेरे में नहीं बची थी, इस करके वीडियो नहीं बना पाया। एनीवेज़, अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वीक 21 की फुल टीआरपी, उस पर नज़र डालने वाले हैं। सॉरी फॉर लेट वीडियो। तो गाइज़, सबसे पहले देख लेते हैं टॉप 10 चैनल्स टीआरपी के हिसाब से पोजीशन वाइज। नंबर 10 पे आया है कलर्स रिश्ते, जो कि कलर्स का वाईकॉम 18 के पुराने शोज टेलीकास्ट करता है। नंबर 9 पे है दंगल चैनल। नंबर 8 पे है स्टार भारत, इस बार भी टॉप 10 में आया है स्टार भारत। नंबर 7 पे सोनी पल है हर हफ्ते की तरह। नंबर 6 पे है जी टी वी। नंबर 6 पे ये काफ़ी ज़्यादा हफ्तों से। नंबर 5 पे है स्टार उत्सव, उसके ऊपर नंबर 4 पे है सोनी टीवी। नंबर 3 पे है कलर्स टीवी, नंबर 2 पे है सब टीवी और नंबर 1 पे स्टार प्लस। टॉप 3 चैनल्स हैं, नंबर 1 पे स्टार प्लस, नंबर 2 सब टीवी, नंबर 3 कलर्स टीवी। तो ये हैं हमारे टॉप 3 चैनल्स इस हफ्ते के पोजीशन वाइज, रैंकिंग वाइज। तो अब हम देख लेते हैं सारे चैनल्स के सारे शोज़ की टीआरपी। तो सबसे पहले देख लेते हैं एनटीवी चैनल को, वैसे टॉप 10 में तो नहीं आता है, लेकिन उस पर नज़र डालें तो और भाई क्या चल रहा है कि 0.2 टीआरपी आई है। महानायक बीआर अम्बेडकर की 0.3 टीआरपी है। मौका वारदात की 0.1 है, जिसका सीज़न 2 भी आने वाला है। संतोषी माँ की 0.2 टीआरपी है। भाभी जी घर पे हैं और हप्पू की उल्टन पलटन दोनों की 0.4 टीआरपी हैं। लाल इश्क की हर हफ्ते की तरह 0.1 है। तो हाईएस्ट परफॉर्मिंग शोज़ हैं भाभी जी, हप्पू और बी आर अम्बेडकर एनटीवी के लिए। तो अब बारी है स्टार भारत के शोज़ की, तो इस पर नज़र डाल लेते हैं इसके शोज़ पर। तो रामायण के रीरन जो चल रहे हैं स्टार भारत पे, उनकी टीआरपी आई है 0.4। महादेव की टीआरपी आई है 0.5। मन की आवाज़ प्रतिज्ञा का सीज़न 2, उसकी 0.4 टीआरपी आई है। अब हाईएस्ट परफॉर्मर स्टार भारत का है राधा कृष्ण, 0.7 की टीआरपी के साथ। पिछले हफ्ते भी इसकी टीआरपी काफ़ी अच्छी आई थी। 0.7 काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है स्टार भारत जैसे चैनल पे लाना, जिस पे शोज़ की 0.3 भी मुश्किल से आती है। तो 0.7 के साथ काफ़ी अच्छा काम कर रहा है राधा कृष्ण स्टार भारत के लिए। सावधान इंडिया की आई है 0.2 टीआरपी हर हफ्ते की तरह। तो अब देख लेते हैं जी टी वी के शोज़ की टीआरपी कितने टीआरपी लेके आए हैं। तो अब भी आएगा 0.6 की टीआरपी लेके आया है इस हफ्ते। हमारी वाली गुड न्यूज़ की 0.8 टीआरपी है। तेरी मेरी इक्की जिंदड़ी की 0.9 टीआरपी है। तुझसे यार आपका 0.7 के आसपास ही लेके आता है हर हफ्ते इसके आसपास, और इस बार 0.7 लेके आया है। कुमकुम भाग्य की 1.4 है, घट चुकी है पहले से, 2+ नहीं आती काफ़ी हफ्ते हो गए अब तो। कुंडली भाग्य की भी अब 2 नहीं आती, टीआरपी 1.9 पे खड़ी हुई है काफ़ी हफ्तों से। इस हफ्ते भी लेके आया है 1.9 की टीआरपी। क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी की 1.0 है, थोड़ा स्टेबल है ये शो बाकियों के मुकाबले। कुर्बान हुआ की 0.7 है। इंडियन प्रो म्यूजिक लीग की 0.2 है। जी टी वी के शोज़ पहले बहुत ज़्यादा स्टेबल हुआ करते थे सारे ही शोज़, लेकिन आजकल उतने स्टेबल नहीं रहे हैं टीआरपी के मामले में। बाकी गए जी टी वी पे 5 या 6 नए शोज़ आने वाले हैं जुलाई से अगस्त में। तो उस पर मैंने वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। जी टी वी पे काफ़ी नए शोज़ आने वाले हैं, बिकॉज जो पुराने शोज़ हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो जी टी वी एक नया लाइनअप लाने वाला है सारे नए शोज़ का। अब बारी है सोनी टी वी की, सोनी टी वी के शोज़ पर नज़र डाल लेते हैं। तो मेरे साई की 0.8 टी आर पी आई है। इस हफ्ते भी मेरे साई काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है टी आर पी के मामले में, हर हफ्ते ही कहता हूँ मैं। बाकी पुण्यश्लोक अहिल्या बाई की आई है 1.1 टी आर पी। ये शो भी काफ़ी अच्छी तरह से स्टेबल है। सोनी टी वी के ये 2-3 शोज़ हैं जो काफ़ी अच्छी और स्टेबल टी आर पी लेके आते हैं। विघ्नहर्ता गणेश की भी 0.7 है, ये 0.6 या 7 के आसपास ही रहती है। इन शोज़ की टी आर पी घटती नहीं है। विघ्नहर्ता गणेश की भी 0.7 रहती है। पुण्यश्लोक अहिल्या बाई बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, और मेरे साई की हमेशा 0.8 ही रहती है। क्यों उत्थे दिल छोड़ आए की 0.4 टी आर पी है। इश्क पर जोर नहीं की भी 0.4 टी आर पी है। क्राइम पेट्रोल की 0.4। सुपर डांसर चैप्टर 4 लाया है 2.6 की टी आर पी, जो कि काफ़ी अच्छी है। इंडियन आइडल की 2.9 टी आर पी आई है। दोनों ही रियलिटी शो सोनी टी वी के लिए बहुत ही कमाल परफॉर्म कर रहे हैं और सोनी टी वी को टॉप 5 में लेके आ रहे हैं हर हफ्ते। बस अब देखने का वेट है कि जब कपिल शर्मा शो का नया सीज़न आएगा तो वो कैसा परफॉर्म करेगा, क्या इतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा जितना ये दोनों कर रहे हैं, या फिर जो भी होगा हमें देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो अब देख लेते हैं कलर्स टी वी की टी आर पी। कलर्स टी वी के शोज़ पर नज़र डालें तो ससुराल सिमर का सीज़न 2 जो है 0.7 की टी आर पी लेके आया है। थोड़ी बहुत तो इम्प्रूव हुई है चलो। उड़ारियाँ की 1.1 टी आर पी है। उड़ारियाँ काफ़ी स्टेबल टी आर पी लेके आ रहा है कलर्स टी वी के लिए। छोटी सरदारनी की 1.3 आई है इस हफ्ते। शक्ति अस्तित्व के एहसास की 1.2 टीआरपी के साथ। और ये जो 3-4 शोज होते हैं इनकी सेम ही आती है हर हफ्ते। बैरिस्टर बाबू 1.2, शक्ति 1.2, नमक इश्क की भी 1.2, पिंजरा खूबसूरती का लेके आया है 1.0 की टीआरपी इस हफ्ते। मोलकी की आई है 1.4। बावरा दिल लेके आया है 0.7, जो कि सबसे कम है इस चैनल पर। वैसे ससुराल सिमर का भी इतनी की भी इतनी ही है। डांस दीवाने 3 की 1.8 आई है। डांस दीवाने 3 जो कि रियलिटी शो है,
सोनी टीवी के रियलिटी टीवी शोज जितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उतनी अच्छी टीआरपी लेके नहीं आ पा रहा है। टू प्लस की टीआरपी तो नहीं लेके आ पा रहा है डांस दीवाने कलर्स टीवी का। सोनी टीवी के जो रियलिटी शोज़ हैं इससे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टीआरपी वाइज। वैसे जल्द ही एक दो महीनों में खतरों के खिलाड़ी लॉन्च होने वाला है कलर्स टीवी पे, शायद दो महीनों में, तो हो सकता है उससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिले चैनल को और वो काफ़ी अच्छी टीआरपी लाएगा। अब देख लेते हैं सब टीवी की टीआरपी। तो सब टीवी के शोज़ पे नज़र डालें तो काटेलाल एंड सन्स की काफ़ी अच्छी टीआरपी 0.5 आई है। मेन टाइम स्लॉट के हिसाब से ठीक है इतनी टीआरपी, और लॉकडाउन वगैरह में स्टेबल लेके आ रहा है टीआरपी काटेलाल सन्स 0.5 की। हीरो गए मोड ऑन की 0.7 है, पहले 0.5 के आसपास लेके आया करता था लेकिन आजकल एटलीस्ट 0.7 है। आई थिंक जब से सिद्धार्थ निगम इस शो में दिखने लगे हैं शायद उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो भी शो को फॉलो करने लगी है, बिकॉज सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ देखने को मिला है हमें हीरो गए मोड ऑन की टीआरपी में। तारक मेहता का उल्टा चश्मा लेके आया है 2.6 की टीआरपी, अपने पुराने फॉर्म में वापस आ रहा है तारक मेहता। बाकी बागले की दुनिया की 1.2 टीआरपी है। ये शो काफ़ी अच्छी स्टेबल टीआरपी लेके आ रहा है सब टीवी के लिए हर हफ्ते इसके फ्रेश एपिसोड्स। तेरा यार हूँ मैं 0.6 टीआरपी, ज़्यादा अच्छी या फिर ज़्यादा हाई टीआरपी तो नहीं लेके आया लेकिन जो भी है 0.6 की टीआरपी लेके आया है। बाकी मैडम सर की टीआरपी आई है 0.5। जी जी छत पर कोई है, काफ़ी दिनों से टीवी पर टेलीकास्ट भी नहीं हो रहा है इसी करके उसकी कोई टीआरपी नहीं है, उसका शूट वगैरह रुका पड़ा है, अभी के लिए कंटिन्यू नहीं किया गया है उसका शूट। तो अब देख लेते हैं स्टार प्लस की टीआरपी जो कि नंबर वन चैनल है इस हफ्ते भी। तो आपकी नज़रों ने समझा 0.8 टीआरपी लेके आया है, हर हफ्ते इसकी 0.8 ही टीआरपी होती है। मेहंदी रचने वाली 1.1 की टीआरपी, शौर्य और अनोखी की कहानी की भी सेम 1.1 आई है। पांड्या स्टोर की 1.9 टीआरपी है, इसकी भी सेम ऑलमोस्ट हर हफ्ते ऐसे ही होती है। गुम है किसी के प्यार में 3.2 की टीआरपी लेके आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी और हाई टीआरपी है। इमली की आई है 2.9 टीआरपी। साथ निभाना साथिया के सीज़न 2 की आई है 2.3 टीआरपी इस हफ्ते। ये रिश्ता क्या कहलाता है लेके आया है 2.2 की टीआरपी। और गाइस अनुपमा की आई है 3.3 टीआरपी। फाइनली अनुपमा जा चुका है अपनी नंबर वन स्पॉट पे वापस। गुम है किसी के प्यार में जो कि 3 हफ्तों से अनुपमा को बीट करके नंबर वन पे बैठा था, फाइनली अनुपमा फिर से अपनी नंबर वन पोजीशन पे आ चुकी है और कर चुकी है बीट गुम है किसी के प्यार में को। ये है चाहते की आई है 1.9 टीआरपी, इसकी भी ऑलमोस्ट सेम ही है हर हफ्ते की तरह। तो स्टार प्लस के काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट परफॉर्मिंग शोज़ हैं गुम है किसी के प्यार में, इमली और अनुपमा, साथिया 2, ये रिश्ता क्या कहलाता है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परफॉर्मर्स हैं स्टार प्लस के लिए, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टीआरपी लेके आए हैं सारे ही शोज़। तो गाइज़ ये थी फुल टीआरपी वीक 21 की, आपने देख ली है। वीडियो कर दीजिए लाइक, कमेंट सेक्शन में बताइए आपका फेवरेट चैनल या शो कौन सा है। फुल टीआरपी ऐसे ही हर हफ्ते पाने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं अब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको पता चलता रहे कौन सा शो और कौन सा चैनल कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन नीचे जा रहा है कौन ऊपर जा रहा है, सारी लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आप बने रहें। अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।